न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ माता और पिता से। जॉनी, दीपक नाम है मेरा, दीपक रिक्शा वाला। मैं अपनी कामयाबी की कहानी किसको सुनाऊं? मैं तो बेहद गरीब इंसान हूँ। अरे बुड़बक, अरे पगलेट हो का। 400 में से 100 रुपए कुत्ते के खाने में दे देते हैं। इतने कुत्ते हैं ना ये इस गली में जी। जब मैं रिक्शा लेकर आता हूँ तो एक नहीं है, मतलब कुत्ते मेरे रिक्शे को घेर लेते हैं। नाम दीनानाथ चौहान, बाप का नाम पंडित दीनानाथ चौहान, मालूम तेरे को? आए नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज मैं जिस रिक्शे पे आपको दिखाई दे रही हूँ वो कोई आम रिक्शा नहीं है, बल्कि ये दीपक रिक्शा वाले का रिक्शा है। आजकल बिहार में सबसे ज़्यादा नाम प्रचलित है दीपक जी का, जहाँ पर उनको मिमिक्री के नाम पे जाना जा रहा है। हम आपको इस रिक्शे वाले का स्टोरी आज दिखाने वाले हैं, जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी के बारे में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हम लोगों को। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है, मैं झारखंड के पावापुर तोपचांची गाँव का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ने में काफ़ी तेज था, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया। और मैं जब 10 साल का था तो उसी समय मिमिक्री किया करता था। गांव में लोग पर्दा पर फिल्म मंगाते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो वहां पर मैं टीवी भी देखा, मिमिक्री करने लगा। तो गांव के लोगों को सपोर्ट तो हल्का फुल्का मिला, लेकिन कुछ लोग मुझे पागल भी कहने लगे हैं। उसके बाद मैं जब 15 साल का हुआ तो पटना आया, गरीबी के कारण, गाँव का मतलब घर का गरीबी देख के। और उसके बाद यहाँ कमाने खाने लगा, माँ बाप को सहयोग करने लगा। गरीबी कारण मैं पढ़ नहीं पाया, इसका मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट था। इस चीज़ का मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं पढ़ नहीं पाया। सर, कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, तो अगर आपसे अपने लाइफ के पूरे संघर्ष के बारे में बात करें तो आप किसी एक, आप सबसे पहले तो ये मेरे हाथ में लिस्ट देख लें, इनमें बहुत सारे एक्टर्स के नाम हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, इरफान खान हैं, दारा सिंह हैं, अक्षय खन्ना हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं इसमें जिनका मिमिक्री ये खुद करते हैं। अगर इनके संघर्ष के बारे में, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, अगर किसी अपने फेवरेट किसी एक्टर के बारे में आप बोलना चाहें, उनकी मिमिक्री करना चाहें, तो कैसे बोलेंगे? वीर सिंह, न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ माता और पिता से। मैं अपने भाई को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, आगे ईश्वर जाने कि मेरा भाई कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि मैं संघर्षशील इंसान हूँ। यही सब बात है। और अगर मेरा ये वीडियो मेरा भाई देख रहा होगा तो मैं उससे यही कहूँगा कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना कष्ट उठा रहा हूँ, समझे? जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं किसकी आवाज़ थी ये, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप गेस करके बताइए कि इन्होंने किसका आवाज़ निकाला है यहाँ पर अभी। साथ में सर, जिस काम के लिए आपको बचपन में ताने दिए जाते थे या फिर लोग मजाक उड़ाते थे आपका, आज उसी कला के बदौलत आज हम आपके पास हैं, पूरी मीडिया हाउस आपके पास है, आपको ढूंढ रही है, गली 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 में ढूंढ रही है। क्या बोलेंगे इस सफलता, तो पता नहीं इसको सफलता बोलते या नहीं बोलते, लेकिन जिस कामयाबी ही है जो एक कला के बदौलत आपको खींच के ला रही है बाकी मीडिया वालों को, उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? अगर हम बात करें देव आनंद के बारे में तो। जॉनी, दीपक नाम है मेरा, दीपक रिक्शा वाला। मैं अपनी कामयाबी की कहानी किसको सुनाऊं? मैं तो बेहद गरीब इंसान हूं, लेकिन शायद मीडिया वाले मेरी एक खासियत नहीं जानते हैं कि मैं डेली 300-400 कमाता हूं, तो उसमें 100 रुपया आवारा कुत्तों को खिलाता हूं। मुझे लगता है कि यही कुत्तों का आशीर्वाद है जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है। देवानंद एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़की आहें भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं पटना में खचरा तो जाए। मतलब ये जो आपने बोला, मजाक में बोला या सीरियसली बोला कि आप 400 में से 100 रुपए कुत्ते के खाने में दे देते हैं? इतने कुत्ते हैं ना ये इस गली में जी। जब मैं रिक्शा लेकर आता हूँ तो एक नहीं है, मतलब 40-50 रिक्शे मेरे कुत्ते मेरे रिक्शे को घेर लेते हैं। अच्छा। और मुझे काटते भी नहीं हैं, अन्य लोगों को काट लेता है, हमको नहीं काटते हैं। मैं लगता है कि उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी भी मेरा डॉग सब मेरा वेट कर रहा है कि कब मैं कमा के आऊँगा और उन लोगों को खिलाऊंगा। ये कभी फिलहाल ये गली में घूम रहा है। बहुत बड़ी बात है सर कि जिसके पास अपने पेट पालने से ज़्यादा
वो मेरा फैन है वो। अच्छा वो फैन है? हाँ वो मेरा फैन है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे पास बहुत कुछ होता है फिर भी हम जानवर, वो बेजुबान जानवर है जो भूखे अगर रहेंगे तो भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, और हमारे पास रहते हुए भी हम करने में सोचते हैं पहले। इनके पास 300 से 400 रुपए की आमदनी होती होगी भैया रोज, है ना? अभी उतना नहीं हो पा रहा है, अभी 250-300 में आउट हो जाते हैं मेहनत करने के बावजूद, भाड़ा कम लगता है। उसमें से भी आप इनको बिस्किट क्या खिलाते हैं रात को? अगर मेरी कमाई नहीं भी होती है ना, मेरी कमाई नहीं भी होती है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनसे मैं उधार लेता हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो मुझे ताना देते हैं, यार पैसा कब दोगे? फिलहाल एक यहाँ है, एक गली में है, एक बोरिंग रोड में है, एक एसके नगर में है। मतलब अगर खर्च के बारे में बात करें तो कितना खर्चा होगा अगर एक दुकान के बारे में बात करें तो? किसी का 100 रुपया बाकी, किसी का 150, किसी का 200, किसी का 250, लेकिन सब मेरा व्यवहार देख के बोलता है कि जब आपके पास पैसा होगा आप दे दीजिएगा। आपके व्यवहार के बारे में दुकान वाले आपको देते हैं, और आज हम एक दुकान का आपका कर्ज आपका अदा करेंगे हम अपनी तरफ से। ये द इंडियन स्टोरीज की तरफ से मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, किसी एक दुकान का जो खर्च इनका इनके कुत्ते के लिए था या फिर जिसके भी लिए भी था, वो हम इनका देंगे एक दुकान का। अगर आज आपको बोला जाए कि आपको रिक्शा छोड़ के आपको अगर एक्टिंग में कैरियर बनाने का मौका, जिस तरीके से आप फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आपके सामने ऑफर आता है कि सब कुछ छोड़ के आप एक्टिंग में कैरियर बनाइए अपना, कहीं आपको मौका मिल जाता है तो क्या आप छोड़ के जाएंगे? मैम ये तो सपना है, अगर सपना पूरा हो तो ना, सपना तो देखता हूँ, सपना कहाँ पूरा हुआ। बचपन में जब 10 साल का था तो बहुत ज़बरदस्त सपना था, माँ बाप भी डांटते थे, लेकिन माँ बाप का मैं बुराई नहीं करूँगा कि माँ बाप तो भगवान के सदृश हैं। भगवान का सदृश क्या, भगवान कहाँ रहते हैं? माँ के चरणों में। मैं हिंदुस्तान के हर आदमी से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उनको अच्छा लगे या ख़राब लगे, अगर भगवान को देखना है, भगवान का निवास स्थान है माँ का चरण, आप अपने माँ को चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देख सकते हैं। इस माँ से बड़ा इस संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम को जन्म देने वाले भी एक माँ ही है। तो मैं उस समय कोशिश किया मुंबई भागने का, तो जब मैं घर की मजबूरी, जब यहाँ से अंदर आवाज़ आया, अरे यार क्या कर रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा देकर अपना मतलब करियर बनाने मुंबई जा रहे हो, अरे छोड़ो यार, तो फिर मैं कंटिन्यू जारी है। अभी तक के टाइम में रिक्शा, क्योंकि अभी बहुत कम लोग रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं पटना में, अब बहुत कुछ ऑनलाइन आ चुका है, ओला आ चुका है, उबर आ चुका है, तो इससे कैसे मार पड़ा है आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में? अगर शाहरुख खान की आवाज़ में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे? अरे अरे जानते हो, अरे कुछ नहीं जानते हो विजय, अरे जब से ये ओला वाला आया है ना, अरे ये बैटरी वाला रिक्शा, अरे ये पैनल रिक्शा का कहानी ख़त्म हो गया। अरे आय 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 आई हेट यू, अरे आई हेट यू पैनल रिक्शा। खैर छोड़ो, अरे जो पटना के लोग हैं ना, अरे इस रिक्शा वाले को तो भूल ही चुके हैं, अरे इन लोगों की सोच ही अच्छी है। लेकिन याद रखो, अगर लोगों की सोच अच्छी रहेगी ना, अरे आर्थिक संपत्ति होने के कारण भी, अरे इस गरीब रिक्शा वाले बैठे पसंद नहीं करते। आय 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 आई हेट यू। बिहार के राजनीतिक भौगोलिक स्थिति में काफ़ी भूचाल आया हुआ है, महागठबंधन की सरकार आ गई है, लालू जी को वापस से फिर से, वो हमेशा ही रहे हुए हैं सबके पसंदीदा, कभी वो राजनीति में थे तब, या तो कभी वो रेल मंत्री बने तब, सबने उनको पसंद किया। उनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर आपके रिक्शा पे उनको बुलाना हो, बैठाना हो, इनविटेशन देना हो? मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, फिर वो भी बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं लालू जी का जो क्लिप देखा हूँ, मैं वो बोलना चाहता हूँ। अरे बुढ़बक, अरे पगलेट हो का, अरे लागल लागल झुनलिया में ढाका, बलम कलकत्ता पहुँच गए। अरे देखो, अरे मोदी जी का भाषण चल रहा है, बच्चा थका हुआ है, गोदी गोदी बोल रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे बिहार के पहला सीएम, अरे लालू जी जब पैंडल रिक्शा के सवारी किया, लेकिन पटना शहर के लोग, अरे इस रिक्शा को भूल चुके हैं। अरे पैसा रहने के बावजूद भी नहीं बैठता। अरे याद रखो, अगर 10-20 ज़्यादा ले लेगा रिक्शा वाला, तो कम से कम एकर घर तो चलेगा। एक इंसान को आपने किसी भी एक्टर जैसे बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं, आपने स्टेजेस पे देखा होगा, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में देखा होगा, जब सामने लोग आके करते हैं तो बहुत कम लोगों पर कमांड होता है, 2-3 लोग मिमिक्री कर पाते हैं, 2-3 लोगों को कॉपी कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास
लगभग ये 30 से 40 लोगों का नाम होगा सर यहाँ पर, तो 60 होगा। तो ये 60 से ज्यादा, आप ऐसा कुछ बोल रहे थे कि बचपन में आप और भी ज्यादा लोगों की मिमिक्री करते थे। बचपन में बहुत सारा था, कोई ऐसा एक्टर ही नहीं था, कुलभूषण खरबंदा, ए के हंगल वगैरह वगैरह जितना मतलब है, जितना ए टू जेड सब निकालते थे। ये 1980-85 की बात बता रहे हैं। मतलब पहले से ही आपको खुद से आता था या फिर मतलब रियाज करना पड़ता था इसके लिए? नहीं नहीं, हमको रियाज नहीं करना पड़ता था, फिल्म देखें तुरंत निकल जाता था, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा। और अभी मैं बहुत कोशिश करता हूँ तो निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भूल चुके हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो पार्क है, मैं बहुत पहले अभ्यास करता था हाथ से चलने का। हाँ, ये हाथ से चलने का अभ्यास करता था। अच्छा। तो मैं हाथ से करीब 200 मीटर चलता था जी। लोग हमको देख के मतलब अचंभा हो जाते थे कि लड़का हाथ से चलता है। लेकिन उसके बाद जब मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो चलने में मुझे दिक्कत होती, क्या कि रियाज छूट गया था ना, बस यही सब बात है। अगर अमिताभ बच्चन के आवाज़ में कुछ सुनना चाहें आपसे तो क्या बोलिएगा? अमिताभ बच्चन का तो इतना सारा आवाज़ है बोलने का, इतना मतलब उनका आवाज़ हर समय चेंज होते रहता है। बहुत आपका सबसे फेवरेट हो, पसंदीदा हो आपका, वो लाइन कुछ? हाँ, बहुत सारा है। एक पान वाला है, ड्रिंक लेने के बाद कैसे बोलते हैं, नॉर्मल होकर कैसे बोलते हैं, गुस्सा होते तो कैसे बोलते हैं, मैंने उनका एटीट्यूड हर समय चेंज होते रहता है। एक दो हम लोगों को अगर हमारे व्यूअर्स को दिखा दें आप तो। सबसे पहले पान वाला। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह, हाय, अरे हम आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा कि हम डॉन नहीं, और आप लेड के हमें डॉन की एक्टिंग करवा रहे हैं। अरे डॉन बनने से पहले हमको ये पान छोड़ना पड़ेगा डीएसपी साहब, लेकिन ये डीपू और मुन्नी की बात है ना। अरे इसके लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ डीएसपी साहब। अब एक अमिताभ बच्चन का बहुत चर्चित डायलॉग है, हाँ, वो सुनाना चाहता हूँ। शराबी शराबी फिल्म। हाँ तो नट्टू लाल जी, अरे हमारे यार आप भी कमाल करते हैं। अरे इतनी बड़ी मूछों के मालिक हैं आप और बड़प्पन हमारा। हाँ तो नट्टू लाल जी, खड़े हो जाइए। अमिताभ बच्चन का मतलब बोलने का हर समय चेंज होते रहता है। एक और डायलॉग सुनाना चाहते हैं, ये वो अमर अकबर एंथोनी शीशे वाला एक्टिंग जी, जी। देख 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 देख, थोपड़ा देख। अरे कितना मारा टेढ़ो के एंटोनी भाई, कितना मारा। अरे बिल्कुल इडियट दिखता है एंटोनी भाई, अगर तू पीला नहीं होता तो क्या वो जाड़िया टेढ़े को मार सकता था? नहीं, लेकिन तो अपन को सुनता किधर से। हाँ तो एंटोनी भाई एक मिनट हिलना नहीं। रिश्ते में तुम थोड़े पापर दे हैं, लेकिन नाम ही सेंसा। अगर माँ के बारे में गुलशन ग्रोवर जी के शब्दों में बोल रहा हूँ तो क्या बोलिएगा? अरे गन्ना चूसक, अरे लोग मुझे बैडमैन के नाम से जानते हैं। अरे खबरदार, अगर किसी ने, अरे अपन की माँ की तो बात छोड़ो, अगर किसी और की माँ की शिकायत किया ना तो ये बैडमैन छोड़ेगा नहीं, गन्ना चूसक। मतलब लोग दूसरों के डायलॉग्स को बोलते हैं बट ये इंटरप्रेट करके खुद के बातों को भी उनकी आवाज़ में रखते हैं हमारे सामने में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही सर अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि इतने सारे सोशल मीडिया वाले आपके पास आ रहे हैं, इसके पावर को, इसकी ताकत को क्या बोलेंगे आप? मैं क्या बोलूँ मैम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सके ये किसी का आशीर्वाद ही होगा, जनता का आशीर्वाद होगा, सोशल मीडिया वाले का आशीर्वाद होगा, या फिर चैनल वाला का आशीर्वाद होगा, और मेरे जितने चैनल वाला इंटरव्यू लिए हैं सब उन लोगों का आशीर्वाद होगा। ये तो पब्लिक का आशीर्वाद है, आम जनता का, कि लोग आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने पूरे रिक्शा वाले कम्युनिटी की तरफ से लोगों को देना चाहते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो शायद आप ना कर पाएँ बड़े स्तर पर जाकर? मैं तो यही सोच रहा हूँ, मेरा एक ही ख्वाहिश है, अगर मैं मुझे फिल्मों में काम मिल जाता है और अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मेरा एक ही एम्बिशन है कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर सका हूँ। जैसे ये आवारा कुत्ता को कोई नहीं पूछता है, लोग तो घरेलू कुत्ता पालते हैं, फिर गौ माता का सेवा करने का मेरा बहुत इच्छा है, जानवरों का सेवा करना। मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं यही सब करना चाहता हूँ, जानवर की सेवा, जानवरों को खिलाना पिलाना, बस यही सब, और गरीबों की हेल्प करना, ये मेरा।
ये थे दीपक रिक्शा वाले, जिनकी वीडियो जिनकी वीडियो को नहीं, जिनको हमने साक्षात देखा यहाँ पर। आपको इनकी संघर्ष की कहानी कैसी लगी या फिर आपको इनकी मिमिक्री कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।